राजस्थान के जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल के नजदीक सरस दूध की मिल्क वैन को लूटने के मामले में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के 3 छात्रों को शांति भंग के आरोप में डिटेन किया है। तीनों MBBS के छात्र हैं, जबकि 2 जनों की अभी और तलाश है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि सुखदेव बिश्नोई ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी गाड़ियां सरस डेयरी के दूध सप्लाई में लगी हुई हैं। रविवार सुबह 4 बजे मथुरा दास माथुर अस्पताल के गेट नंबर 1 पर दूध सप्लाई के लिए मिल्क वैन लेकर गया तो वहां 5-6 लोग आए, जिसमें से 2 लोगों ने उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की और 3 जने उसकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में नाकाबंदी करवाई गई। कुछ देर बाद पाल रोड पर गाड़ी लावारिस हालत में बरामद हुई। सुखदेव ने अपने गाड़ी से 24 लीटर दूध के 2 कैरेट गायब होने और 4600 रुपए जो कलेक्शन के साथ थे उसे भी लूटने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस रिपोर्ट में लूट का मामला दर्ज किया गया है और घटना स्थल के CCTV फुटेज की जांच की तो उसमें मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मौजूदगी सामने आई। इस पर पुलिस ने देर शाम को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के MBBS फाइनल ईयर के धोरी मन्ना गांव लुखू 22 वर्षीय विकास बिश्नोई, थर्ड ईयर के छात्र सेवड़ा थाना क्षेत्र के ओगाला निवासी 23 वर्षीय ओम प्रकाश जाट, गुड़ा मालानी के गांव डाबर निवासी थर्ड ईयर के छात्र 22 वर्षीय महेश बिश्नोई को हिरासत में लिया है। इनके साथ 2 और लोग थे, जिनमें से 1 एम्स मेडिकल कॉलेज का छात्र भी है।